तो केविन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फादर एंड सन, एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सबको मेरे और मेरे पापा की तरफ से। एंड आज के वीडियो में मैं और मेरे पापा आपको बताने वाले हैं, अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास हमारी तरह एक दिन स्टे कर रहे हो तो ऐसी कौन सी जगह है जो आपको विजिट करनी चाहिए। और हम टॉप 4 जगह बताने वाले हैं, मतलब ऐसी तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप विजिट कर सकते हो, बट आज के वीडियो में हम आपको ऐसे टॉप 4 प्लेसेस बताएंगे कि अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास स्टे कर रहे हो तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ। सो केविन, अभी हम आ चुके हैं गरुडेश्वर दत्त मंदिर, और इस मंदिर में आपको दत्तदेव भगवान के दर्शन होते हैं। तो ये जो मंदिर है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये जो बसा है मंदिर वो नर्मदा तट पे है। नहीं किया था कि ये व्यूज हमको देखने के लिए मिलेंगे, और काफ़ी शानदार व्यूज है यहाँ से। हाँ, और अभी यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं और पास से व्यू देखेंगे और पास से थोड़ा बहुत शूटिंग करेंगे उसके वजह से। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी हम निकल चुके हैं हमारे सेकंड डेस्टिनी के तरफ। ओके फ्रेंड, अभी हम आ चुके हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे जो है डैम व्यू पॉइंट, और ये पॉइंट से आपको सरदार सरोवर डैम का काफ़ी खूबसूरत व्यू दिखता है। तो डैम व्यू पॉइंट पे आपको अपनी प्राइवेट व्हीकल लेके नहीं आनी है, आपको इन लोग की गवर्नमेंट बस के तरफ से आना है, और डैम व्यू पॉइंट तक प्राइवेट रिक्शा भी आती है, तो आप प्राइवेट रिक्शा में भी आ सकते हो। और साथ में यहाँ पे रेंट पे ई साइकिल यानी इलेक्ट्रिक साइकिल मिलती है, तो वो भी आप ये डैम व्यू पॉइंट तक लेके आ सकते हो। तो अभी मैम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रही है सरोवर डैम के बारे में कि ये डैम कब बना था और किस तरीके से ये डैम बना था। तो काफी ही प्यारे व्यूज है यहाँ से डैम के, आपने देखे, काफी खूबसूरत डैम है और काफी बड़ा डैम है। अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आ रहे हो और एक दिन स्टे कर रहे हो तो डैम व्यू पॉइंट मिस मत करना, काफ़ी प्यारा है। तो हम डैम व्यू पॉइंट देख के वहाँ से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ और रिवर राफ्टिंग देखने के लिए। हो सकेगा तो करेंगे, नहीं तो टिकट मिली तो करेंगे, नहीं मिली तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो आप विजिट कर सकते हो, जैसे कि ये है डाइनो ट्रेल, तो यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े डायनासोर बना के रखे हैं, यानी ये जगह आपके किड्स के लिए है जो काफ़ी फन वाली है, तो आप यहाँ पे ज़रूर विजिट करें अगर आप किड्स के साथ आ रहे हो। उसके बाद इन लोग ने बना रखा है ये मेज़ गार्डन यानी भूल भुलैया वाला गार्डन जो काफ़ी अच्छा है, तो आप यहाँ पे भी विजिट कर सकते हो। और इन लोग ने बना रखी है वैली ऑफ फ्लावर, तो यहाँ पे फ्लावर के बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत दी गई है, तो आप यहाँ पे भी विजिट कर सकते हो। और यहाँ पे ये जितनी भी जगह है उसके टिकट के अलग अलग प्राइस है। तो ये सारे पॉइंट मैंने और मेरे पापा ने विजिट नहीं किए क्योंकि हमको सूरत के लिए भी निकलना था, एंड साथ में हमको यहाँ पे इन लोग की रिवर राफ्टिंग भी देखनी थी, तो हम चले आए खालवानी इको टूरिज्म पे। अभी हम आ चुके हैं रिवर राफ्टिंग के पास, और यहाँ होती है रिवर राफ्टिंग जो काफ़ी एडवेंचरस होती है, एंड इस जगह को खालवानी जगह बोल खालवानी करके इनका नाम है, खालवानी करके।
और ये नो प्लास्टिक जोन में आता है, तो प्लीज यहाँ पे प्लास्टिक ना फेंके। हाँ, और अभी सामने वो रहा रिवर राफ्टिंग का, तो वहाँ पे रिवर राफ्टिंग होती है शुरू, तो यहाँ के प्राइस हम आपको बताते हैं, और अगर रिवर राफ्टिंग होगी तो हम जरूर करेंगे। अभी तो ये पूरा गार्डन एरिया है, अभी जब खालवानी में हम लोग खड़े हैं वहाँ पे ये गार्डन पूरा बनाया गया है, और ऐसे ही जस्ट घूमने के लिए बनाया है, लेकिन रहने की सुविधा यहाँ पे अच्छी है, तो हम यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन आपको पहले एडवांस में इसकी बुकिंग करवानी रहती है। इसका प्राइस तो क्या हमें मालूम नहीं, क्योंकि कोई दिख नहीं रहा है हमें, इसके लिए इसका प्राइस तो हमको मालूम नहीं है, फिर भी देख लेते अगर कोई मिल जाए तो उससे पूछ लेते कि रेंट का इधर का जो रहने का चार्ज है वो कितना है। डॉर्मेट्री भी रूम है, दो तीन प्रकार के रूम है यहाँ पे, आप प्रॉपर अपने फैमिली के लिए आए हो तो डॉर्मेट्री रूम सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि वहाँ पे मैंने 8 बेड देखे, शायद 8 बेड हो रहे हैं वहाँ पे रखे गए, यानी 8 रंग की डॉर्मेट्री सुविधा है रखने के लिए। तो अभी यहाँ पे मैं रिवर राफ्टिंग नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा क्लोथ्स लेके नहीं आया, अपने कपड़े लेके नहीं आया, और अगर अपने रिवर राफ्टिंग करने आ रहे हैं तो मिनिमम 3 से 4 घंटा तो चाहिए ही। तो अभी हमको सूरत के लिए भी निकलना है, इसलिए मैं इस बार रिवर राफ्टिंग नहीं कर पाऊँगा। बट यहाँ के टिकट्स की प्राइस करें तो पर पर्सन 1000 रुपीज़ है, जो आपको ऑनलाइन बुक करवानी रहेगी, और अगर आपको एडवेंचर्स पसंद है तो यहाँ पे ज़रूर आए रिवर राफ्टिंग करने, और प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ यहाँ पे रिवर राफ्टिंग होती है, तो अगर आपको एडवेंचर्स पसंद है तो ये जगह मिस मत करना। सो ओके एवरीवन, अगर आप भी हमारी तरह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे एक दिन स्टे करने वाले हो तो यहाँ पे आपको होटल रूम मिल जाएंगे, बट गाइस यहाँ पे आपको 4 to 5000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे पर नाइट होटल रूम में। बट यहाँ पे आपको होम स्टे भी मिल जाएंगे 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के। तो मैंने और मेरे पापा ने भी इसी होम स्टे में स्टे किया था, और ये होम स्टे हमको 1000 रुपीज़ में मिल गया था, और 1000 से 1500 के बीच में आपको ऐसे काफ़ी सारे यहाँ पे रूम्स मिल जाएंगे, होम स्टे मिल जाएंगे। और अगर आपको इनको डायरेक्ट कांटेक्ट करना है तो वीडियो में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इन लोग के कांटेक्ट डिटेल्स दे दिए हैं, तो अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जा रहे हो तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। सो ओके एवरीवन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जर्नी हमारी यहाँ पर ही कंप्लीट होती है, और ये ट्रिप यहाँ कुछ 2 दिन की ट्रिप बनती है, आप चाहो तो यहाँ 3 दिन भी रह सकते हो। बहुत कुछ यहाँ इन लोग ने घूमने के लिए बनाया है, और काफ़ी अच्छी प्लेस है, ऐसा समझो ये एक पूरी टूरिस्ट प्लेस है, और गुजरात की आई थिंक टॉप नंबर 1 प्लेसेस में से ये एक है, और काफ़ी खूबसूरत जगह है ये, तो आप यहाँ पर ज़रूर आइए। और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो छोटी छोटी, बट अपना वीडियो यहाँ पर ही एंड करते हैं। एंड ये सब मेन चीज़ थी जो हमने आपको बताई, और आप घूम सकते हो एक दिन स्टे करके, और आई थिंक अगर आप रिवर राफ्टिंग कर रहे हो तो आपको और एक दिन स्टे करना ही चाहिए, मतलब 2 दिन का स्टे तो लेना ही पड़ेगा यहाँ पे, पहला दिन जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने वाला है, और दूसरा ये रिवर राफ्टिंग, और 2-3 चीज़ प्लेसेस विजिट करने के लिए। तो ये वीडियो यहाँ पर ही कंप्लीट करते हैं, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपका फेवरेट पार्ट कमेंट कीजिए या फेवरेट जगह कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।